वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से, जहां 3 वर्षीय मासूम के साथ 55 वर्षीय अधेड़ ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। ये घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। आपको बता दें, बच्ची की हालत खराब होने पर परिजनों ने डायरेक्ट 112 पुलिस को सूचना दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी घर में ताला बंद कर परिवार समेत फरार हो गया है। घटना की सूचना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ये तो बच्ची के साथ का भयल हो, का मामला का भयल हो? गलत काम भयल बा हमरे बच्ची से। के अकेले बा? गुलाब। तो का वो समय बच्ची अकेले रहल घर पे? हाँ। कैसे बताओ, पूरा बात बताओ। हमके सांप काट दिले रहा, सब कोई झरवाओ गेल बा हम। बच्ची हर अकेले खेलत रहे, अपने घर में ले जाके उठाई के गलत काम कैले बा। तो बच्ची आप आइला तो बच्ची के कौने हालत में देखला? बच्ची के देह से हमरा ब्लेड आवत रहा। हाँ। तो का बच्ची कुछ बोले? हाँ बताइले। का कहे? कहे जे ऊ लेगा ना अपने घर में हम। हाँ। पूरी बात बताइले। हाँ। तो फिर कहाँ गेला वहाँ से? कहे नहीं गेली, दवाई करावे गेली। हाँ। तो थाने पे कहने गेला? थाने पे आज गेली, कल नहीं गेली। कई दिन पहले गई घटना? हाँ। परसों दिना का। तो आज गेला थाने पे? तो 3 दिन से इलाज करावत रहला? हाँ, काल इलाज करावे वाली। वो आरोपी बीचे में 2 दिन से आरोपी फरार रहा कि रहा घर में? नहीं घर में रहना, मगर घरे नहीं रहता ना। तो का कहा है, धमकावा हमका? कुछ नहीं बोला था ना। हाँ। तो पहले से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं कुछ दुश्मनी नहीं उनसे। उनके पकड़ ले ले पुलिस? हाँ पकड़ ले। रामगढ़। सरकारी में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। मासूम के साथ जिस दरिंदगी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आ रहा है, तो क्या है पूरा मामला सर? थाना पन्नू के अंतर्गत जो है, 1-3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु महिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जो है, और जो है अश्विधि कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कैसे पीड़िता से दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, कि वो कैसे आरोपी कहाँ ले गया था? पीड़िता जो है अपने घर के सामने खेल रही थी जो है, उसकी माँ को सांप काट लिया था, झाड़ फूक मारने बगल में गई हुई थी जो है। पीड़िता को अकेले पकड़ के जो अधेड़ व्यक्ति था जो है, उसको बल्ला फुसला करके अपने घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तो बच्ची ने क्या बताया? बच्ची के परिजनों ने भी घटना की पुष्टि की है जो है, और जो है आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उससे कार्रवाई की जा रही है।